चल सिंचन के बच्चे यार, अब तो सो जा। सिंचन रात के भाई 1 बज गए, तू कब तक टीवी देखने वाला है? अरे जब फ्रेंगल पे मुझे नींद आएगी ना, मैं जब सो जाऊंगा यार, तुम जाके सो ना। अरे तो सिंचन भाई, रात के 1 बज गए, तुझे नींद कब आएगी? अरे फ्रेंगल पे मेरे को पता नहीं है यार, कभी भी सो जाता हूँ मैं, चाहे रात के 1 बज रहे हो चाहे 2 बज रहे हो, जब नींद आती है जब सोता हूँ। अच्छा चल ठीक है, मैं जा रहा हूँ सोने के लिए। याद रखियो सिंचन, टीवी ऑफ करके सोइयो। पिछली बार भाई जब तू सोया था ना, तो सिंचन भाई टीवी ऑन ही थी। पिछली बार बोल रहा हूँ गाइस, कल की तो बात है यार ये। चलो भाई चलते हैं ऊपर और गाइस आराम से जूते हैं भाई ठंडी ठंडी हवा में। और गाइस आप लोग सोच रहे होगे भाई आखिरकार मैं टेरेस पर क्यों सो रहा हूँ भाई, सिंचन के साथ नीचे क्यों नहीं सो रहा? क्यों गाइस, हमारी गली में भाई आजकल काफी ज्यादा चोरी होने लगी है, इसलिए गाइस मेरे को ना भाई छत पे सोना पड़ता है, ताकि गाइस अगर थोड़ी बहुत भी आवाज आए ना तो तुरंत भाई मैं जाग जाऊं और देख लूं भाई कि है कौन भाई, कहीं हमारे घर में कोई चोरी वोरी करने तो नहीं घुस गया। पिछली बार तो एक को तो गाइस चौप के बच्चे ने पकड़ लिया था यार। ओ वेट, अपने पड़ोसी घर में क्या हो रहा है भाई, पार्टी वार्टी चल लिया क्या? यहाँ से गाइस मेरे को कुछ लोग दिखाई तो दे रहे हैं। हाँ गाइस पक्का यार, पड़ोसी घर में चल रही है पार्टी, लेट्स गो, चल के देखते हैं। लग और गई यार, रात के 1 बजे पार्टी कर रहे हैं। लेकिन गाइस पार्टी जैसा कुछ माहौल लग तो रहा नहीं है यार, यहाँ पर कुछ खाना वाना भी नहीं है, डिनर वगैरह भी नहीं हो रहा, बस गाइस यहाँ पर भीड़ लगी हुई है। हेलो भाई लोगो, क्या हो रहा है यहाँ पे? अरे कौन हो भाई सब तुम, हम तुम्हें पहचानते नहीं और घर में कैसे चले आए? अरे मेरा पड़ोसी नहीं दिख रहा भाई, मेरा तुम्हारे पड़ोसी का भाई फ्रेंड हूँ। अरे कौन पड़ोसी? पड़ोसी पड़ोसी कौन पड़ोसी? अरे मतलब जिसके घर में तुम हो ना, इसका पड़ोसी हूँ मैं। इसने किसको कॉल मिला दी? अभी रुको तुम 5 मिनट, मैंने पुलिस को कॉल मिलाई है, पुलिस बस आती होगी। पुलिस से बात कर रहा है या मुझसे बात कर रहा है? चलो निकलते हैं भाई, मेरा क्या मतलब भाई, मैं जाता हूँ भाई, मैं जाके सोता हूँ आराम से। चलो भाई निकलते हैं और चौप को देख लो, ये सो रहा है या फिर जाग रहा है। चलो अच्छी बात है गाइस, चौप का बच्चा जाग रहा है। चौप तूने एक काम करे कर भाई, तूने पूरी रात को भाई जागे कर और दिन में सोए कर। अब बात सबको ले, लेकिन ऐसा क्यों बोल रहा है? क्योंकि भाई रात को भाई कम से कम मैं तो घर में आराम से सो सकता हूँ, तुझे भाई अगर कोई रात को दिखे तो फटाफट से चौप के बच्चे तू भाई मेरे को उठा देकर। चलो छोड़ो गाइस, मुझे पता ही है चौप का बच्चा मेरी बात बिल्कुल सुनने ही नहीं वाला। चलते हैं गाइस और आराम से सोते हैं भाई, बहुत तेज नींद आ रही है गाइस। सुबह 6 बजे उठा था और देखो यार अब जाकर सो रहा हूँ मैं। और यार बेड देखकर तो गाइस मन कर रहा है कि भाई बस यहाँ पर अब लेट ही जाओ। बहुत अच्छे लगता है वो सोने के लिए चला गया, ये मौका मेरे को बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए। इसकी लाइट के पीछे हमेशा आके मैं छुप तो जाता हूँ, लेकिन कभी इसके घर में चोरी करने का मौका मुझे मिल नहीं पाता। कभी कोई जागा रहता है इसके घर में, कभी कोई, लेकिन आज तो इसके घर में चोरी कर ही लूंगा। देखो कितने मजे से सो रहा है, ही ही ही। चल के आराम से कूदते हैं इसके घर में, क्योंकि एक बार डिलीवरी बॉय इसके घर में आया था, उसने इसके घर को पूरा देख रखा है, उसने मुझे इसके घर की चप्पा चप्पा बता दिया कि कहां पर क्या चीज रखी हुई है। अरे लेकिन 1 सेकंड, ये बच्चा अभी भी जाग रहा है, देखो टीवी देख रहा है। अरे बंद हुई क्या टीवी? टीवी चल रही है और ये जागा है। जब तक ये जागा रहेगा जब तक तो मैं इसके घर में चोरी नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, इसके नीचे वाले फ्लोर पे चलते हैं, देखते हैं वहां पर क्या क्या रखा है, कम से कम वहां तो कुछ चोरी कर लूं। देखे तो यहाँ पर क्या है, यहाँ फुटबॉल रखी है, गिटार रखा है, लाइट है, लेकिन लाइट चोरी करके क्या मिलेगा मुझे? कुछ तो मिल जाए, कपड़े, कपड़े ले जाऊंगा इसके सारे के सारे, वैसे भी मेरे पास पहनने के लिए कपड़े नहीं है, डॉक्टर के कपड़े पहने रखता हूँ, आज सारे के सारे इसके कपड़े ले जाऊंगा। और देखते हैं और क्या क्या है, यहाँ पर बुक्स हैं, ये सारी बुक्स भी चुरा लूंगा। और देखते हैं चल के, यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है, ऊपर वाले फ्लोर पे बहुत कुछ है, लेकिन ऊपर वो बच्चा जाग रहा है, क्या करूँ, उस बच्चे को मार दूँ क्या? उसे मारने के बाद तो सब कुछ मेरा ही हो जाएगा। चलो चुपके से चलते हैं, देखूं यहाँ पर चुपके के बच्चा अभी भी जाग रहा है क्या? अरे ये देखो कितने मजे से जाग रहा है, बताओ अभी भी टीवी देखने का कोई टाइम है क्या? अगर ये सो जाता तो अब तक सब कुछ मैं चोरी कर लेता, अब इसका वेट करना पड़ेगा मुझे। अरे गाइस यार अब तो यार मुझे बहुत तेज नींद आने लगी है, लेकिन गाइस साथ ही साथ में यार मुझे भूख भी लग रही है, क्या करूं यार, दुकान पे जाके कुछ सामान लेके आ जाऊं क्या? वैसे भी गाइस हमारी गली के बाहर एक दुकान है, वो गाइस 24 घंटे ओपन रहती है, रात में भी और दिन में भी। एक काम करता हूं, फटाफट से जाके सामान लाता हूं और खा पी के फिर सोऊंगा। लेकिन गाइस बहुत ही नींद आ रही है यार, मेरी तो आंखों में बहुत तगड़ी नींद भरी हुई है। चलो चलते हैं फटाफट से और कुछ खाने पीने को लेकर ही आ जाता हूं। लेकिन जाऊं कैसे यार कुछ समझ नहीं आ रहा, पैदल पैदल तो मैं जाऊंगा नहीं। अरे वो चेक करो यार, यहां पर ट्रैक्टर खड़ा है पड़ोसी का। चलो अच्छी बात है गाइस, कम से कम ये तो मिला। अब देखो ट्रैक्टर चलाते हुए लेके जाऊंगा, लेकिन इसमें बिल्कुल स्पीड नहीं है, खचड़ है खचड़। लेकिन चलो अच्छी बात है गाइस, जब तक मैं ट्रैक्टर पे बैठे रहूंगा ना तो कोई गली का कुत्ता मेरे को काटेगा नहीं, अगर पैदल जाता ना तो पक्का गाइस कोई ना कोई तो यार मेरे पैर को अधेड़ी देता। चलो चलो बच्चा भी चले गया, लेकिन मैं उसकी आंखों के सामने खड़ा था फिर भी मुझे देख नहीं पाया। मेरे ख्याल से तो वो नींद में होगा, कह भी रातों से बहुत तेज नींद आ रही है। अगर मैं इसकी टीवी को ही चुरा लूं, टीवी को चुराऊंगा, सोफे को चुराऊंगा, यहाँ पर हर एक चीज साफ कर दूंगा, पूरी किचन साफ कर दूंगा, बढ़िया। यहाँ पे तो फ्रूट भी रखे हुए हैं, सारे फ्रूट खा जाऊंगा, आज इसके घर को पूरा सफा चट कर दूंगा। लेकिन उससे पहले मैं इसके गार्डन में जाऊंगा, क्योंकि उस डिलीवरी बॉय ने मुझे बताया था इसके गार्डन में ना बहुत सारा सामान। अरे बच्चा यहाँ कैसे आ गया? बेटा अब तू देख कहाँ से मेरे से बच के जा पाएगा, आज तू मेरे हाथ से और मेरी गन से पता है तू बच नहीं पाएगा। अरे बच्चे मुझे छोड़ दे। अरे कैसे भाग रहा है देखना गाइस, लेकिन आज इसे छोड़ूंगा नहीं, मेरे पास गाइस काफी कमाल की गन है, ये देखो भाई साहब गन मारी और देखना कैसे लटक गया, आज चोरी करेगा। अरे गिर गया, बड़ी तेज लगी बच्चे, मुझे माफ कर दे, मैं चोरी नहीं कर रहा था। अच्छा
तो हमारे घर में फिर कर क्या रहता है ये बताइए भाई साहब। यार मेरे दोस्त ने तो गए थे, मेरे को ये टॉय वाली गन काफी कमाल की दे रखी है, एक शॉट मारा और एक ही शॉट में गए जिसे करंट लग गया। और ये देखो मेरे पड़ोस घर में से एक आंटी निकल के भागी। गाइस आपको पता है मैं तो ट्रैक्टर लेके बस जा ही रहा था और अचानक से गाइस मुझे यार याद आया कि गाइस मैंने घर में से यार पैसे लिए ही नहीं, पैसे से ही तो यार दुकान से चीज मिलती है। जैसे गाइस मैं घर पर आ रहा था ना पैसे लेने के लिए, मैंने घर में आवाज सुनी अजीब अजीब सी तो मुझे लगा घर में पक्का चोर है। फिर मैं बाहर खड़ा हो गया और घर में से फिर देखो ये निकला नमूना और मस्त करके गाइस इसे तो मैंने सबक ही सिखा दिया, ये यार चोर है सबके घर में चोरी करता है चोर। फ्रैंकल भैया को सुबह सुबह खुशखबरी दूंगा, फ्रैंकल भैया मैंने एक चोर को पकड़ा यार, इसे ना बस फटाफट से होश आ जाए उसके बाद ऐसे पुलिस के हवाले करूंगा। चलो चल के पहले घर में से ना पैसे लेके आ जाता हूँ मैं। अरे ये बच्चा तो बड़ा ही खतरनाक था, पता नहीं कौन सी गन लेके घूम रहे, इतनी छोटी उम्र में काम करता हूँ यहाँ छड़ जाता हूँ, मेरी हालत खराब होगी। अगर इस बच्चे ने दोबारा मुझे गली में देखा तो मुझे मारेगा और पुलिस के हवाले भी कर देगा। अरे ये क्या पेंटिंग, वाओ कितनी ब्यूटीफुल लग रही है। चलो कुछ चोरी नहीं कर पाया, कम से कम इस ब्यूटीफुल सी पेंटिंग को तो चोरी कर ली लू, कितनी अच्छी लग रही है, आज इसे अपने घर पे जाकर लगाऊंगा। भासब आवाज तो यही पे आ रही है लगता है, भासब ये रहा आज, भासब इसको छोड़ूंगा नहीं। भासब घर में आया कैसे, भासब घर में कैसे घुसा, अरे बाबरे उधेड़ दिया कुत्ते ने, बचाओ मुझे कोई। भासब तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारे घर में घुसने की, भासब आज सही करा, भासब पकड़ लिया इसको, यही है तो भासब चोरी, इसने भासब पूरी घड़ी में हड़कंप मचा रखा है। अब भासब सुबह भासब कलवे को आंदो, उसके बाद भासब कलवाई करेगा इसका जुगाड़ तो मस्त करके। भासब इसके पैर उधेड़ दिए, अब भासब पूरी रात इसके पास ही रहूंगा ताकि ये भाग ना जाए यहाँ से। अरे यार सुबह हो गई गाइस, मेरे को तो पता नहीं लगा यार कब से मैं सो रहा हूँ यहाँ पे गर्मी में, एक बार टाइम तो चेक कर लूं। अरे यार सुबह के 11 बज गए, मैं भी तो सोचूं गाइस मेरे को इतनी तेज भूख क्यों लग रही है यार, पता वो 11 बज गए गाइस, 11 बजे तक मैं सो रहा हूँ। हाँ यार रात को गाइस लेट सोऊंगा तो भाई लेट ही तो उठूंगा। चलो फटाफट से निकलते हैं गाइस दुकान पे कुछ खाने पीने के लेके आते हैं, भाई काफी तेज भूख लग रही है और मेरा तो गाइस बिल्कुल भी मन नहीं है यार घर पे कुछ बनाने का, बनाने में काफी टाइम लगता है, मुझे छोड़ दे प्लीज। ओ वेट ये कैसे आवाज आई भाई, अब बात अब तुझे जाने दूंगा, बात बस कलवे के एक बार जगने दे। ओ ये तो गाइस पीछे से आवाज आ रही है, चॉप की भी आवाज आ रही है भाई साथ में। अरे चॉप के बच्चे भाई यहाँ पे ये क्या हो रहा है, बात सब को ले कहाँ रह गया था, बात सब कब से बात सब तेरा वेट कर रहा हूँ, अगर बात सब को ले मैं यहाँ से बिल्कुल भी हिल जाता ना तो बात सब ये भाग जाता है कौन। लेकिन ये भाई इसकी हालत देखना ऐसा लग रहा है गाइस जैसे ये कोई पेशेंट है। अरे तू भाई कहाँ से, हॉस्पिटल से आया क्या? अरे नहीं मैं हॉस्पिटल से नहीं आया, मैं बहुत ईमानदार इंसान हूँ, लेकिन तुम्हारा कुत्ता मुझे चोर बोल रहा है चोर। ओ बात सब तो चोर नहीं है, बात सब को ले ना चोर है, बात सब घर में बात सब चोरी कर रहा था वो तो मैंने से पकड़ लिया। अच्छा चोर है क्या, चल चॉप तूने कम से कम कुछ अच्छा काम तो करा आज बेटे, तेरे को मैं पुलिस स्टेशन में ही देके आता हूँ। अरे लेकिन मेरी गलती तो बताओ, मुझे छोड़ दो, पुलिस वाले बहुत मारते हैं, एक बार मुझे पकड़ा था। अरे जब भाई चोरी करेगा था पुलिस वाले तेरे को भाई मारेंगे, तेरा स्वागत थोड़ा ना करेंगे, जल्दी से आ फटाफट से बाइक पे बैठ, लगता है गैस ऐसे आएगा नहीं भाई, मेरे को खुद भाई से उठा के लेके आना होगा। चलो भाई उठा के लेके आते हैं इसे। तो गैस अभी इस बंदे को मैंने पूरे के पूरे 50 रुपए दिए, जब जाके गैस ये रेडी हो गया भाई मेरे साथ पुलिस स्टेशन जाने के लिए। अबे आजा कहां रह गया, ये चेक करो आ गया भाई चढ़ के, चला फटाफट से बैठ, तेरे को भाई तेरे घर पर छोड़ के हो। अरे वाह तुम तो बहुत अच्छे निकले, पहले तुमने मुझे 50 रुपए दिए और अब तुम पुलिस स्टेशन की जगह तुम मेरे घर पे छोड़ के जा रहे हो। अबे जो तेरा घर है ना भाई वो पुलिस स्टेशन ही है समझ रहे, तो तेरे को मैं पुलिस स्टेशन ही छोड़ने जा रहा हूँ, तेरे को घर छोड़ने जा रहा। अरे यार ऐसा मत करो, पुलिस वाले बहुत मारते हैं, जब भाई तू चोरी करता है जब तेरे को पता नहीं लगता कि तेरे को पिटाई पड़ेगी। अरे यार बेशक तुम अपने 50 रुपए ले लो, लेकिन मुझे पुलिस स्टेशन मत छोड़ के हो। गाइस यार इसको पुलिस स्टेशन तो छोड़ के आना ही पड़ेगा, क्योंकि गाइस आज भाई ये मेरे घर के अंदर आया था भाई चोरी करने के लिए, कल को किसी और के घर में जाएगा और भाई तुझे ना पुलिस वाले एकदम सुधार देंगे समझ रहे। 2 दिन तू पुलिस स्टेशन के अंदर अगर रह लिया ना तो 2 दिन के अंदर तू सुधर जाएगा। अरे मैं नहीं सुधरने वाला यार, मेरा काम ही चोरी करना है तो यार अपना काम थोड़ी ना छोड़ सकता। मतलब तेरे को पुलिस वाले कितना भी मार ले तू अपना ये काम नहीं छोड़ेगा? नहीं 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 नहीं, चोरी करना तो मैं बिल्कुल नहीं छोड़ सकता, तुम्हें पता लगा तुम्हारे मैं पीछे बैठूं, लेकिन तुम्हारी जेब में से मैंने तुम्हारा फोन भी निकाल लिया। ओ भाई तूने फोन निकाल लिया जी, देखा तुम्हें पता भी नहीं लगने दिया और तुम्हारी जेब काट दी मैंने। ओ चुपचाप से मेरा फोन मेरे को लौटा दे वरना बेटे तेरे को छोड़ूंगा नहीं। अरे हाँ भाई साहब हाँ, तुम्हारा फोन तुम्हारी जेब में लो, रख दिया दोबारा से। भाई तुम तो बहुत खतरनाक है, तुम्हारा कुत्ता भी खतरनाक है और तुम्हारे घर में वो छोटा सा बच्चा रहता है वो भी खतरनाक है और तुम भी खतरनाक हो। छोटा सा बच्चा, लेकिन सिंचन को तूने कब देखा? अरे रात जब मैं तुम्हारे घर में से बाहर निकला ना तो वो तुम्हारा जो छोटा भाई है वो एकदम से घर के बाहर मुझे खड़ा मिल गया और उसके हाथ में पता नहीं कौन सी टॉय वाली गन थी, उससे मुझे बहुत तगड़ा करंट लगा, फिर मैं वही बेहोश हो गया। उसके बाद तुम्हारा डॉग आया और तुम्हारे डॉग ने भी मेरे पैर को काट लिया। अब तो चुपचाप से मेरे पीछे आ, मेरे हाथ से नहीं पिटना चाहता तो चुपचाप से आ जा, तू पुलिस वालों के हाथों से ही पिटेगा। लेकिन यार पुलिस स्टेशन के अंदर मेरे को कोई दिख क्यों नहीं रहा। हेलो सर किधर हो भाई? यार इस रूम में है क्या कोई? नहीं यार इस रूम में भी कोई नहीं है यार, फैन तो चल रहा है गाइस लेकिन यहाँ है कोई नहीं। और ये भाग तो नहीं जाएगा ना कहीं? नहीं भागा नहीं है गाइस। और एक बार चेक करना गाइस कितनी बुरी तरीके से चल रहा है भाई ये, पक्का भाई चॉप ने गंदी तरीके से काटा है भाई इसको, ये चल भी नहीं पा रहा गाइस, देखना किस तरीके से चल रहा है भाई, ज्यादा दर्द हो रहा है क्या? दर्द तो हो रहा है। अरे यार मैं क्या कर सकता हूँ, बस मैं पुलिस वालों से ये बोल सकता हूँ कि
कि यार इसको ना 1-2 साल के लिए जेल में रख दो, लेकिन इसे मारना मत। वैसे भी गाइस इसकी हालत काफी ज्यादा गंभीर लग रही है मेरे को, तो पुलिस वाले ऑटोमेटिक मारेंगे नहीं। आए तू मेरे पीछे पीछे आ, तेरे को भाई मैं यहाँ तक छोड़ दूं। चलो फाइनली यहाँ पे मुझे कोई तो मिला। अरे एक्सक्यूज मी, कौन हो अंदर, कैसे चल जा रहे हो? अरे सर मैं यार एक चोर को पकड़ के ले आया हूँ, देखो ये आ रहा। नहीं आया यार, कितने धीरे चल रहा है यार, लगता है ज्यादा ही पैर में लग गई है। अरे कौन चोर, मेरे को तो कोई भी नजर नहीं आ रहा। ये चेक करो सर, ये आ गया भाई सामने से। अच्छा ये कैसे चोर हो सकता है, मतलब तुम इसे बिना पकड़े ला रहे हो, ये भाग भी नहीं रहा, ऐसा क्यों? अरे क्योंकि सर इसके पैर में काफी तेज लग रखी है ना। पैर में कैसे लगी, पूरी की पूरी तुम्हें मुझे डिटेल बतानी पड़ेगी इसकी। उसके बावजूद ही हम इसको चोर ठहराएंगे और इसे जेल में रख सकते हैं, ठीक है सर? मैं बताता हूँ यार इसके बारे में और इसने हमारे घर में क्या क्या चोरी करा। तो फाइनली गाइस अभी इस चोर के बारे में मैंने इन सर को भाई सब कुछ बता दिया है, जो कुछ भी गाइस मेरे को इसके बारे में पता था, और भाई इन्होंने भाई इसको अरेस्ट भी कर लिया है। चलो गाइस मेरा काम भाई खत्म हो गया, अब निकलता हूँ फटाफट से गाइस मैं मार्केट की तरफ और कुछ लेके आता हूँ भाई खाने पीने के लिए, क्योंकि मेरे को भाई काफी तेज भूख लग रही है। और यार आज पता नहीं क्या हो गया गाइस, पुलिस स्टेशन के अंदर कोई है क्यों नहीं, सिर्फ और सिर्फ भाई एक ही बंदा है जो गाइस नीचे है। इस वाले रूम में चल के देखे क्या, ये भी एकदम खाली पड़ा है भाई, कोई भी नहीं है यहाँ पर दूर दूर तक। चलो भाई चलते हैं, अब यहाँ तक आ गया हूँ तो गाइस और पूरे रूम में देख लेता हूँ, यहाँ पर तो कोई नहीं है। नहीं गाइस इस रूम में भी कोई नहीं है, आज सारे रूम ही चेक कर लेता हूँ गाइस आखिरकार किस रूम में क्या क्या रखा रहता है। ये यहाँ से तो गाइस अभी अभी जस्ट मैं आया हूँ, ये वाला ना गाइस यहाँ पर अभी मैं नहीं आया, ये वाले रूम में भी नहीं आया। इस रूम में क्या रहता है भाई, आई थिंक गाइस यहाँ पर भाई सब लोगों के कपड़े वगैरह साफ सफाई का सामान रहता है यहाँ पर। चलो निकलते हैं बाहर की तरफ, और पीछे की तरफ भी गाइस एक रूम मेरे को दिखाई दे रहा है, चलते हैं भाई अंदर। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ओह वेट ऊपर जाने के लिए है क्या, एक बार गाइस ऊपर टेरेस पर चल के देखते हैं आखिरकार भाई पुलिस की टेरेस है कैसी। ये वाला रूम ये बंद है गाइस, ऊपर चलते हैं थर्ड फ्लोर पे। सेकंड फ्लोर पे गाइस मैं पहुंच चुका हूँ, थर्ड फ्लोर पर भी लो भाई पहुंच गया, ये वाला रूम भी गाइस बंद हो रखा है। आई थिंक अब हम जा रहे हैं गाइस फोर्थ फ्लोर पे, फोर्थ फ्लोर या फिर गाइस ये टेरेस, मेरे ख्याल से पक्का ये टेरेस होगी। और ये चेक करो, फाइनली गाइस मैं टेरेस पर पहुंच चुका हूँ, और भाई ये क्या ब्यूटीफुल सी लग रही है भाई। पुलिस स्टेशन के टेरेस पर गाइस हेलीकॉप्टर लैंड करने का भी पार्किंग बना रखी है, यहाँ पर गाइस पक्का हेलीकॉप्टर पार्क होता होगा भाई इन पुलिस वालों का। क्या बोलते हो गाइस, यहाँ से जंप लगा दूं क्या, क्योंकि गाइस अब मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा भाई जीनों से नीचे जाने का। तो ठीक है गाइस मैं रेडी हूँ भाई जंप लगाने के लिए, बस ज्यादा तेज मेरे लग ना जाए। ओके मेरी बाइक गाइस मेरे को दिख गई है अभी, यार मैं गाइस फोर्थ फ्लोर पे और यहाँ से भाई अभी मैं जंप लगाने वाले हूँ। क्या बोलते हो गाइस, लगा देनी चाहिए, कहीं ऐसा ना हो गाइस हड्डी वड्डी टूट जाए और डायरेक्ट फिर मेरे को यार हॉस्पिटल जाना पड़ जाए। आप लोग गाइस जल्दी से यार वीडियो को लाइक कर दो ताकि गाइस मेरे बिल्कुल भी लगे ना। हाँ गाइस जल्दी से यार वीडियो को लाइक कर दो, फोर्थ फ्लोर से भाई अब मैं जंप लगाने वाला हूँ। ओके मैं रेडी हूँ गाइस, 1-2-3 भाई पैर फिसल गया मेरा, ये लो भाई गिर गया। चलो अच्छी बात है गाइस यहाँ पर भाई दूर दूर तक कोई भी नहीं है और भाई मेरे बिल्कुल भी चोट लगी नहीं। अब गाइस फटाफट से यार बाइक लेता हूँ और निकलता हूँ भाई मार्केट की तरफ, और वहाँ से गाइस डायरेक्ट सामान लेके भाई अपने घर पहुंचूंगा। और गाइस आपको पता है यार कुछ टाइम पहले गाइस सिंचन के स्कूल से गाइस मेरे को ना उसके प्रिंसिपल ने ऑफर भेजा था कि भाई मैं स्कूल का टीचर बन जाऊँ और गाइस बच्चों को भाई पढ़ाऊँ। तो गाइस उस टाइम तो गाइस मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, लेकिन इस टाइम गाइस मेरा मन कर रहा है भाई मैं टीचर बन जाऊँ। लेकिन अभी तो गाइस गर्मियों की छुट्टियां पड़ रखी हैं, गर्मियों की छुट्टी के बाद गाइस डिसाइड करेंगे कि भाई मैं टीचर बनूं या फिर नहीं बनूं। चलो अच्छी बात है, बारिश स्टार्ट होगी इस बार तो। जब भी मैं अपनी गाड़ी को कहीं भी लेके निकलता हूं तो इसकी इंजन में हमेशा आग लग जाती है, आज भी गाड़ी में आग लग गई। अरे बारिश तो थोड़ी और तेज हो जाए यार, बस बारिश की बूंदे इस पे पड़ती रहे फिर उसके बाद तो ये गाड़ी पक्का ठंडी हो जाएगी और इसकी आग बुझ जाएगी। ये कौन है? अरे बाबा आपकी गाड़ी में तो आग लगी हुई है यार, इसे बुझाओ। ये देख बेटा बुझ गई ना। अच्छी बात है कि बारिश हो रही है, अगर बारिश नहीं हो रही होती तो आज तो मेरी गाड़ी ब्लास्ट ही हो रही होती। पिछली बार और आग लगी थी, फिर क्या हुआ, पिछली बार ब्लास्ट नहीं हुई क्या? पिछली बार भी बच गई, एक बंदे ने आके पानी फेंक दिया। चल अच्छी बात है यार, आज भगवान जी ने पानी फेंक दिया इस पे, देखो पूरी की पूरी यार आग ही बुझ गई। अरे पर बेटा ये तो बता, ये तेरा घर है क्या? बहुत अच्छा लग रहा है तू तो। अरे थैंक यू अंकल, वैसे मैं हूँ ही ओपी। और ये बताओ तुम कहाँ रहते हो? ये तो मेरा ही घर है। वो मेरा कोई घर नहीं है, मैं तो ऐसे ही कहीं भी सो जाता हूँ जहाँ जगह मिलती है। तू अपने घर में मेरे को रेंट पे रखेगा क्या? रेंट पे? अरे लेकिन तुम्हारी हालत देख के मुझे लगता नहीं है कि आप हमको यार रेंट दे पाओगे। पता है पूरे के पूरे 10,000 रुपए हैं, 10,000 रुपए दे पाओगे महीने के एंड में? 10,000 तो बहुत ज्यादा है, एक बार घर की हालत तो देख लो। अरे रुको रुको रुको, कहाँ जा रहे हो? कहीं अगर तुमने घर में चोरी कर ली तो? वैसे भी यार आजकल हमारी गली के आसपास बहुत ज्यादा चोर घूम रहे हैं, अभी अभी फ्रेंगल बैग को पकड़ के भी लेके गए। अरे मैं कोई चोर नहीं हूँ, मैं तुम्हें सकल से चोर लगता हूँ क्या? नहीं यार चोर तो नहीं लगते। वैसे बाबा जी यार आप एक बात बताओ, आपके पास है कितने पैसे? आप मेरे को एक रिमोट कंट्रोल कार दिला सकते हो क्या? रिमोट कंट्रोल कार? ये कितने की आती है? ये आती है यार पूरे के पूरे 5,000 की। अरे बाबरे 5,000 मेरे पास तो नहीं है। जब तुम्हारे पास 5,000 नहीं है तो तुम हमको 10,000 कहाँ से दोगे घर में रहने के? ये बताओ। तो आप एक काम करो, आप ना फ्रेंगल भैया के आने का वेट करो, जब तक मैं आपकी गाड़ी चला लेता हूँ। गाइस इनकी गाड़ी की हालत देखने कितनी ज्यादा खराब रखी है यार, ये मेरे से तो चल भी नहीं पाएगी। बच्चे चलो ये मत, अभी ये पूरी की पूरी हीट हो रखी है, कभी भी जल सकती है।
और ब्लश हो सकती है। अरे लेकिन इतनी खचारे गाड़ी आपको दी किसने? ये गाड़ी मैंने खुद को गिफ्ट करी है। खुद को? लेकिन कैसे, मुझे ही बताओ ना, मैं भी खुद को फिर रिमोट कंट्रोल कार गिफ्ट करूंगा। वो राज की बात है, वो मैं किसी को नहीं बताता। अरे बता भी दो यार, क्या आप कितने अच्छे हो यार, बता दो कहाँ से ली। अरे तू इतनी जिद कर रहा है, चल मैं तेरे को बता देता हूँ। मेरे पास एक पांडा है, उस पांडा से मैंने बोला कि मुझे एक गाड़ी चाहिए, वो भी काफी ज्यादा सस्ती, तो उसने मेरे को ये दी। पांडा? लेकिन वो है कहाँ? वो इस ब्रीफ केस के अंदर है। क्या बात कर रहे हो यार, ब्रीफ केस के अंदर कोई पांडा है क्या? गाइस ये बोलने के यार, इनके हाथ में जो छोटा सा ब्रीफ केस है, इसके अंदर इनके पास कोई पांडा है। दिखाना जरा निकल के। अभी निकलता हूँ, लेकिन तू थोड़ा पीछे हट जा, और तुझे उससे कुछ मांगना है तो मांग लियो। अच्छा वो दे देगा, उसके पास बहुत पैसे है क्या? मेरे तो गाइस समझ नहीं आ रहा, ये बाबा यार कैसी बात कर रहा है। देखो तो सही, आखिरकार कैसे ब्रीफ केस में से पांडा निकालेगा? निकालो। अरे बाबा क्या बात हो गई, तुमने मुझे बाहर क्यों निकाला? अरे बेटा ये जो बगल में जस्ट जला दिया मुझे, बचाओ। अरे बाबा बाबा बाबा, मैंने आपको हजार बार बता रखा है कि आप मेरी तरफ मत आया करो, अगर कोई भी मेरी गर्दन की तरफ आएगा तो वो जल जाएगा। बाबा बेचारा जल गया। अरे बाबरी गाइस, ऐसा कैसे हो सकता है? अरे यार गाड़ी भी फट गई, मेरे को तो गाइस जल लग रहा है यार। बाबा की ब्रीफ केस के अंदर से ये पांडा निकला और इसने बाबा को जला दिया। अरे अब तू कौन है चिरकुट? लगता है बाबा ने तेरी वजह से मुझे यहाँ बुलाया। अरे भाई प्लीज मुझे मत जला दिया। चलो अच्छी बात है गाइस, इसके अंदर से ये जो फायर निकला है ना आग, ये मेरे तक पहुँच ही नहीं पाएगी, मैं क्योंकि छोटा हूँ ना। अरे तू दिक्कत मत ले बच्चे, अभी बाबा को होश में ला दूंगा। मेरे बारे में लगता है तुझे पता नहीं है, मेरा बाबा होश में आ जाए। ये ले बच्चे, खाली पीली डर रहा था ना, ये बाबा दोबारा से आ गया। अरे पांडा पांडा भाई बच के मेरी तरफ आग मत लियो, वरना फिर मैं जल जाऊंगा दोबारा से। अरे हाँ हाँ बाबा, नहीं डरा रहा तुमको ना जला रहा। अब तुम ये बताओ आखिरकार तुमने मुझे बाहर क्यों बुलाया? अरे वो दरअसल ये जो बच्चा है ना, इसको तुमसे कुछ चाहिए, प्लीज इसको वो दे दो और मैं जा रहा हूँ। अरे क्यों आओगे तुम्हें, तुम भाग क्यों रहे हो ये तो बता। अरे भागो भागो, ये पांडा जला देगा बाबा आपको, और मैं आपके पीछे पीछे आ रहा हूँ। अरे मैं तो पुलिस से डर के भाग रहा हूँ। बच्चे तू मत डर पांडा से, अरे मैं तो गिर गया। अरे बच्चे तू मत डर मुझसे, बाबा को देख के तू भी भागने लग गया। बाबा दरअसल क्या है ना, पुलिस से डरते है, वो पुलिस को देख के भाग रहे थे। वो फायर ब्रिगेड की गाड़ी आई ना, तो उसमें पुलिस का हॉर्न लग रहा था। अब तू मेरे को बता तुझे क्या चाहिए मुझसे, क्यों तूने बाबा से कह के मुझे बाहर निकलवाया? अरे लेकिन ये क्या हो गया, ये लोग यहाँ पे क्यों आ रहे? अरे भागो तुम यहाँ से, तुम्हें समझ नहीं आ रहा, जला दूंगा एक एक को, समझ रहे हो? यहाँ पे आग बुझाने की कोई जरूरत नहीं है, जब तक मैं यहाँ पर हूँ तो तुम्हें यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं जहाँ पर भी जाता हूँ वहाँ आग लगी जाती है, समझ रहे हो ना? अरे बाबरे गैस, मुझे तो डर भी लग रहा है यार इस पांडे से। पांडा भाई अगर तुम यार मेरी इच्छा कुछ भी पूरी कर सकते तो यार मेरे को यार एक रिमोट कंट्रोल कर दे दो। आ जा, तो एक काम कर, यहाँ ये लोग डिस्टर्ब करते रहेंगे, तू तेरे घर पे आ, तेरे घर पर तेरे को चल के सब देता हूँ जो जो तुझे चाहिए मुझसे। अरे वाह गाइस, यार अब आएंगे ना असली मजे, ये पांडा पक्का यार मेरे को रिमोट कंट्रोल कर देगा। इसके अंदर गाइस ओपी भी पावर है, मुझे पता चल गया। अरे लेकिन अब तुम्हारे अंदर से आग क्यों निकली? वो मैंने बंद कर दिया क्योंकि यहाँ पे सब लोग डर रहे हैं। अरे तो चलो ना रिमोट कंट्रोल कर दो। और बता और क्या चाहिए, क्योंकि तेरी इच्छा पूरी करने के बाद दोबारा से मैं बाबा के ब्रीफ केस के अंदर जाऊंगा। अरे लेकिन बाबा तो भाग गए। तुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, बाबा जहाँ भी होंगे मैं उनके ब्रीफ केस में चुटकी बजा के पहुंच जाऊंगा। और बता और क्या मांगू यार, कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे हाँ फ्रेंकल बैको ने गाइस एक सुपर कार चाहिए, एक फ्रेंकल बैक के लिए सुपर कार ला देना गोल्ड की, समझ रहे हो? और यार तुम यहाँ पर ना सोने के लिए एक बेड भी ला देना, क्योंकि छत पे यार फ्रेंकल बैक साथ मैं भी सोना चाहता हूँ। और तुम क्या लाओगे यार यहाँ पर तुम बहुत सारा पैसा ला देना हमारे घर के अंदर, और गोल्ड भी डायमंड भी, और हमारा जो स्विमिंग पूल है ना वहाँ पे काफी मस्त सा घर बना देना। और क्या बोलू, और मिल ले तुम यार साइकिल भी ला देना, क्योंकि मेरे दोस्त के पास साइकिल है, मेरे पास नहीं है। और बता बच्चे और क्या चाहिए, बस तुम भूल मत जाना मैंने जो भी तुमसे मांगा है। और क्या मांगू गैस, कुछ समझ नहीं आ रहा। अपने कपड़े भी मांग लू क्या? नहीं यार कपड़े तो गैस मैं खुद दुकान से जाकर खरीद लूंगा। एक काम करो, और आप एक काम करो, क्या करूं यार, बारिश बंद कर दो। ठीक है बच्चे, जितना भी तूने मांगा उतना मैं तेरे को देता हूँ। और रुको 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 यार, और भी कुछ चाहिए? ये जितने मेरे प्यारे वाले दोस्त वीडियो देख रहे हैं यार, इनका सपना भी पूरा कर देना। ठीक है बच्चे, तूने जितना कुछ बोला उतना कुछ जरूर होगा। यार गाइस बारिश बंद होने के बाद यार क्या ब्यूटीफुल सा मौसम हो जाता ना, ये चेक करो गाइस, एकदम पूरी की पूरी रोड एकदम यार गीली पड़ी है। और भाई बारिश बंद होते ही गाइस यहाँ पर धूप भी आ चुकी है। अबे मेरे घर के बाहर ये कौन इतनी महंगी महंगी सुपर कार खड़ी करके चली गया? और भाई ये जिस हिसाब से चमक रही है गाइस, ऐसा लग रहा है जैसे भाई ये सुपर कार भाई गोल्ड के अंदर कन्वर्ट हो। लेकिन भाई कौन मेरे घर के आगे इतना अमीर आदमी आ गया? हेलो भाई कौन है भाई जो ये जिसकी सुपर कार है? पता नहीं गाइस किसके, काम करता हूँ नीचे चॉपर सिंचन से पूछ के आता हूँ। ओए सिंचन के बच्चे, ओए ये क्या है सिंचन, इतनी सारी रिमोट कंट्रोल कार साइकिल, ओए ये क्या है सिंचन घर? अरे फ्रेंगल पे आया, ये चेक कर फ्रेंगल पे घर में क्या कुछ नहीं आ गया। लेकिन सिंचन ये सब कैसे पॉसिबल हो गया भाई, यहाँ पर ये स्विमिंग पूल के पास घर कैसे बन गया? घर गैस इतनी जल्दी कैसे बन सकता है यार, घर बनने में तो गैस काफी टाइम लगता है। सिंचन के बच्चे तू भाई मेरे को सच सच बता यहाँ पर ये हुआ क्या है? और वैसे गैस ये स्विमिंग पूल के अंदर भाई घर तो
नीचे है लेकिन ये घर की टेरिस है भाई। फ्रेंगल भैया तुमने मेरी बात एकदम ध्यान से सुना। फ्रेंगल भैया यहाँ पर ये जितने रिमोट कंट्रोल कार और ये जो साइकिल और भाई ये जो गोल्ड की सुपर कार दिख रही हो ये सब ने हमको पांडा ने दिया है। एक पांडा आया था फ्रेंगल भैया और वो उसने मेरे को इतना सब कुछ दिया है और फिर उसके बाद गायब हो गया। अरे सिंचन कैसी बात कर रहा है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। अरे ऐसा है नहीं सिंचन, मैं नहीं मानता भाई, तू मेरे को कोई प्रूफ दे। अरे गाइस एक काम करो, आप लोग ना जल्दी से वीडियो को लाइक करो और कमेंट में गाइस आप लोग ना फटाफट से यार यस लिख दो। जैसे गाइस कमेंट में आप लोग यस लिखोगे ना तो फ्रेंगल भैया समझ जाएंगे कि पक्का पांडा है। हाँ गाइस यार, अगर यार यहाँ पर सच में गाइस पांडा ने सिंचन को इतना कुछ दिया है तो गाइस आप लोग यार जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, मैं समझ जाऊंगा कि हाँ गाइस ये सब कुछ भाई सिंचन को पांडा ने दिया है। वैसे यार मेरे को तो गाइस बिल्कुल भी बिलीव नहीं हो रहा यार, मेरी पीठ के पीछे मतलब घर पर कोई पांडा आया और उस पांडा ने भाई सिंचन को इतना कुछ दे दिया, ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है? मेरे को तो गाइस बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा। आप लोग गाइस जल्दी से यार वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट में गाइस यस भी लिख देना, मैं समझ जाऊंगा कि हाँ भाई पक्का घर पर पांडा आया था और पांडा ने सिंचन को भाई ये सुपर कार दे दी और भाई इतनी सारी रिमोट कंट्रोल कार साइकिल ये सब कुछ दे दिया भाई। और तो फ्रेंगल भैया तुम यार छत पे जाओ, छत पे जाके चेक करो, मैंने तुम्हारे लिए यार काफी सारा गोल्ड मांगा है और साथ ही साथ में फ्रेंगल भैया डायमंड भी मांगा है, जा रहा हूँ सिंचन। अरे हाँ गाइस यार ये चेक करो भाई, यहाँ पर तो गाइस कितना सारा डायमंड है और भाई गोल्ड भी है। भाई ये गोल्ड की बिस्किट है क्या? मेरे को तो समझ नहीं आ रहा गाइस ये गोल्ड है या फिर गोल्ड के बिस्किट है, लेकिन जो कुछ भी है गाइस गोल्ड तो है ना, मजे ही आ गए फिर तो। और यार ये समझ नहीं आया आखिरकार गाइस घर के स्विमिंग पूल के ऊपर ये यार किसकी घर की टेरिस बन गई, बताइयो सिंचन। अरे मैंने उससे बोला था कि हमारे स्विमिंग पूल के अंदर ना एक घर बना दे। अच्छा तो अब समझा मैं, घर के स्विमिंग पूल के अंदर भाई सिंचन ने घर बनवाया, लेकिन इसकी जरूरत क्या थी भाई, हमारा घर तो ऑलरेडी काफी ब्यूटीफुल है यार। लेकिन गाइस सिंचन ने तो काफी कुछ कम सामान मंगाए, अगर भाई वो पांडा मेरे सामने आ जाता ना तो उससे तो गाइस मैं यार काफी कुछ ही मांग लेता, लेकिन ठीक है गाइस फिर भी यार सिंचन ने इतना कुछ मांग दिया। अब तो गाइस मेरे को यार कहीं भी यार जॉब वॉब वगैरह करने की गाइस कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि गाइस ऑलरेडी भाई हमारे पास यार इतना कुछ आ चुका है। देखो ना गाइस यार क्या गोल्ड की यार सुपर कार आई है और साथ ही साथ में इतना सारा गोल्ड डायमंड। भाई गोल्ड और डायमंड का मैं करूंगा क्या, एक काम करता हूं गाइस सबको भाई बेच दूंगा, उसके बाद तो काफी सारा पैसा ही आ जाएगा। और गाइस अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो क्या करोगे गाइस, फ्रैंकलिन सिंचन आपके भाई तो यार फटाफट गाइस अभी के अभी इस वीडियो को लाइक कर दो और गाइस यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन और सन को भी ऑन कर देना। मिलते हैं गाइस आपको नेक्स्ट वीडियो में, तो गाइस प्यार वाला बाय।